अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान शादाब अहमद फिर से एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हज़रत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अली की दरगाह शरीफ में हाजिरी के लिए जा रहे हैं। पहले भी दो मरतबा हाजिरी हुई थी मगर मजार शरीफ तक जाने की इजाज़त नहीं मिली। तो अभी उसके बाद जो है दरगाह शरीफ कम्प्लीट ओपन हो चुकी है और मजार शरीफ में जाने की भी इजाज़त है, हाजिरी के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ मालूम हुआ है कि जो हज़रत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अली का छिल्ला मुबारक है, जो डिफिकल्ट रास्ता था पहले, जो भी वो आसान हो चुका है, नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो वो भी देखने जा रहे हैं। इस व्लॉग में एंड तक रहें, इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हाफिज आमिर खादरी भी इस व्लॉग में रहेंगे और उनके चंद शागिर्द लोग भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में वो भी रहेंगे। तो यहाँ से श्रीलंका जाना है, वहाँ पे हाफिज आमिर कादरी भी आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ से जो है आंध्र प्रदेश पिलगुंडा शरीफ हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अली की दरगाह शरीफ में हाजिर के लिए जा रहे हैं। तकरीबन बैंगलोर से पिलगुंडा शरीफ 148 किलोमीटर है, तो इंशाल्लाह यहाँ से 2.5 घंटे में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में एंड तक बने रहे, तो इंशाल्लाह हम आगे मिलते हैं। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मद। फाइनली रिच और अभी हाफिज आमिर खादरी को वेट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अभी वो आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट इधर से बैंगलोर से तकरीबन 148 किलोमीटर से बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अली की दरगाह शरीफ है। वो फाइनली हाफिज आमिर खादरी आ चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फजर बाद हम निकल गए थे और हमें बीच में ये खूबसूरत सा मंजर, ये फॉग देखने को मिला माशाल्लाह, जैसे कि आप देख सकते हैं। सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पेनागोंडा की सरजमीन पे और ये पेनागोंडा का एंट्रेंस है, पेनागोंडा फोर्ट। और तकरीबन यहाँ से 10 मिनट में इंशाअल्लाह हज़रत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अली की दरगाह शरीफ हम पहुँच जाएंगे। फिर की गली गली तबा फिर की गली गली तबा ठोकरे सब की खाए क्यों ठोकरे सब की। तो नाजरीन ये दरगाह का मेन गेट है और इंशाल्लाह अभी हजरत के बारगाह में हाजिरी देंगे। तो इंशाल्लाह आपको भी शॉर्ट वीडियो शेयर करूंगा, तो आप ज़ियारत करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और हाजिरी देते हैं। क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों तेरी गली से जाए क्यों। रुखसत काफिला कशोर गश से हमें उठाए क्यों रुखसत काफिला कशोर गश से हमें उठाए क्यों सोते हैं के साए में सोते हैं के साए में कोई हमें जगाए क्यों कोई हमें जगाए क्यों। फिर के गली गली तबा ठोकरे सब की खाए क्यों ठोकरे सब की खाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजूं करे खुदा जान है इश्क मुस्तफा रोज। अंदर से तो पूरा सूख गया, बाहर आज भी करो ताज़ा, नीचे से सूखा हुआ है ऊपर से आधे ऊपर से ताज़ा है। तबले आलम बादशाह पीरो मुर्शिद
निस्वा करते थे पेनमंडे की पहचान में किस तरह करना बाबा बोले तो तू ये जागो रात को ईशा की नमाज के टाइम जमीन में रख, तू जहाँ रात होती वहाँ पर रख वजू कर और इबादत में रात गुजार, जहाँ पर ये दो ढालियाँ चिगरे जो पत्ते चिगरे रहे शाख डाली रही तो ये वहीं पर कर आखिरी मुकाम। बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कर्नाटक आंध्रा तमिलनाडु सब फिरते 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 33 साल पूरा इंडिया का सफर पैदल करे हैं बाबा को। आखिरी मकाम में यहाँ गाने से यहाँ पीलू रझड़ गाने फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के भाई के पौधे दोनों फरीदुद्दीन शकर बारा फरीदुद्दीन शकर बारा निजामुद्दीन बोधले लाली बाबा के नाम से मशहूर है आप। फरीदुद्दीन शकर बारा है नाम आपका। आप झाड़ में है जो शक्कर बरसती बोलते ना वो झाड़ में से इनके पैदाइश के दिन शक्कर बरसी थी पहली बार वो बरसने से शक्कर बारा बारा का माना बरसात। शन्नात के बच्चे को हजरत की खिदमत करे सोचते उसे खदमों के जगह जगा दिए। और दूसरी बात ये खास है तो साहब को पकड़ के चाबुक बनाए थे तो जब छोड़े तब उन्हें नहीं गया हजरत की बात हजरत के खदमों के पास ही रुक जाते हैं खदमों के पास जगा दो बोले तो दे दिए। और ये दो ये साजभू के मजारत हैं। जब ये मजारत का हिसाब देखो तुम्हें तीनों करेक्ट है ना लाइन में ऐसा वो मजार भी वो भू की मजार है भू इसी मकाम पर दफनाया गया था। जब 3 रोज के फातिहा के वक्त में फूल संदल चढ़ाने दरूद पहुंचाने फातिहा को जमात आए तो अरे सरक भी सो खिस गई सो। बाबा फखरुद्दीन अपने भाई पे कितना कर्म करते हैं लोग झाड़ कैसा भी छोड़ो छो इनके ऊपर ही पड़ती हो। ये दलील चिल्ला के रहमतुल्लाह अलैह फातिमा रूमी सैयद अली चिल्ला कर रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया बीवी करे खुदा जिसको दर्द का मजा जिसको दर्द। तो नाजरीन ये मस्जिद हजरत के ज़माने की मस्जिद है तो अभी 11 बज रहे हैं और ताला लगा हुआ है तो इंशाल्लाह जोहर में मस्जिद खुल जाएगी तो मैं आपको मस्जिद का शॉर्ट वीडियो भी शेयर करूंगा तो आप उसे ज़रूर देखें। दर्द का मजा नाजी दवा उठाए क्यों नाजी दवा उठाए क्यों फिर के गली गली तबा। तो नाजरीन अभी जोहर का वक्त हो चुका है और मस्जिद भी ओपन है तो चलिए अंदर चलते हैं देखते हैं मस्जिद कैसी है। ठोकरे सब की खाए क्यों ठोकरे सब की खाए क्यों और वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान है वो जहान की जान है तो जहान है जान है तो जहान है फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों ठोकरे सब की खाए क्यों और है तो रजा निरा सितम जुर्म पे गए ल जाए हम है तो रजा निरा सितम जुर्म पे गए ल जाए हम कोई बजा इसो ज़िगम कोई बजा इसो ज़िगम साजे तरब बजाए क्यों साजे तरब बजाए क्यों फिर के गली गली
तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों, ठोकरे सब की खाए क्यों। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। तो नाज़रीन अभी जो है सैयदना बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई, बाद में हमारे शादाब भाई को ख्वाहिश हुई कि शेर खान मस्जिद देखें, क्योंकि वो भी जो है तारीख़ी मस्जिद है, आशिकाने अउलिया ने उसको तामीर करवाया था, तो इसी निस्बत से सिर्फ उस मस्जिद को देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जो आया था शेर खान मस्जिद की मैंने ज़ियारत करवाई, आपने देखा होगा, तो उसमें जो है शादाब भाई नहीं आए थे, तो इसीलिए अभी ये देखने की ख्वाहिशमंद हुए, तो वहीं पे अभी हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं शेर खान मस्जिद कैसी है। ये 305 साल पुरानी मस्जिद है। माशाल्लाह 305 साल पुरानी मस्जिद गालिबन शेर खान मस्जिद। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं शेर खान मस्जिद। माशाल्लाह और इधर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, बिस्मिल्लाह शेर खान मस्जिद की तारीख, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। तो नाज़रीन ये शेर खान मस्जिद है, बहुत ही प्यारी और आलीशान मस्जिद है, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मस्जिद का जो मेहराब और मिंबर है बड़ा ही खूबसूरत है। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा तो आप उसे देखें। अस्सलाम या हुसैन। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और तारीखी मस्जिद है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसका हिस्ट्री वीडियो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखें। ने शहादत का जाम उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। ये पूरे मस्जिद का नक्शा ये मेहराब में नजर आता। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन। तो ये मिंबर है, तो ये मेहराब, माशाल्लाह। ये मस्जिद के बारे में है सो ये पूरा। अब वो जो बाहर बोर्ड लगाई ट्रांसमिशन, हाँ। तो इसी का है, इधर जो है नी, हाँ। यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसका है, और ये तारीख भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये अंदर असल में पत्थर है, अब इसे महफूज करने के वास्ते क्या करिए, इसके ऊपर बिल्कुल ग्लास डाला। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताए या गया, जिनको धोखे से कूफे
तो ये मस्जिद के ऊपर का हिस्सा है जैसे कि आप देख रहे हैं। से कूफे बुलाया गया जिनको बैठे भी। तो नाज़रीन जैसे कि आपने वीडियो देखी शेरखा मस्जिद और हम भी हम जा रहे हैं पंजवीवी दरगाह की ज़ियारत के लिए, तो रास्ता बंद होने की वजह से दरगाह के लिए दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। सताया गया जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं पंजवीवी दरगाह जैसे कि ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और हाजिरी देते हैं। तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया जिनको दोषी। तो नाज़रीन पंजवीवी दरगाह में हाजिरी हुई और अभी हम हज़रत बाबा फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ले मुबारक की ओर जा रहे हैं और यही पहाड़ है और आपको ऊपर झंडे नज़र आ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह अभी पहाड़ चढ़ना है तो इंशाल्लाह पहुँच कर आपको वीडियो शेयर करूँगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। तुम्हारा दूसरा पहाड़ ये दूसरा पहाड़ महीने में दूसरा पहाड़ महीने क्या है, 10 दिन के अंदर दूसरे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं हम लोग। 10 दिन के अंदर लास्ट टाइम कृष्णागिरी गए थे, जुमेरात 10 दिन पहले कृष्णागिरी की पहाड़ी पे चढ़े थे, लेकिन वो पहाड़ बहुत बड़ा, इससे दुगना तिगना बड़ा है वो पहाड़। अल्लाह इधर भी स्टेप्स नहीं। या अल्लाह ऑलमोस्ट 3 o'clock हो गया नहीं अभी, कितना 4 होने वाले हैं। अल्लाह हू अकबर 4 घंटे। असर की नमाज ऊपर ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह असर की नमाज ऊपर पढ़ेंगे माशाल्लाह। तो तालाब में पानी भी मौजूद है, ये वही तालाब है जिसमें हजरत सैयदना बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह को चूने की बोरी में डाल करके ज़ालिमों ने डाल दिया था ताकि उनकी जान ले सके। फिर हजरत वहाँ से उनकी करामत ये जाहिर हुई कि वो ज़िंदा उस तालाब से निकले। फिर तालाब से निकलने के बाद ये हजरत ये इस पहाड़ी पे आते हैं और ऊपर जाने के बाद हजरत अज़ान देते हैं और चिल्लाते हैं माशाल्लाह। थोड़ा सा स्टेप्स बीच में बने हुए हैं, थोड़ा सा आसानी हो रहा चढ़ने में भी। ये आधा पहाड़ पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह, अभी आधा पहाड़ चढ़ना है। या रसूल अल्लाह यहाँ पर हमारे शादा भाई भी व्लॉगिंग करते हुए। नबी पर बिठाया गया जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया जिनको दोषी, नबी पर बिठाया गया जिनके भाई को जहर पिलाया गया जिनको तीरों से छलनी कराया गया उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम। तो आप देख सकते हैं यहाँ अतराफ पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहा होगा वीडियो में। और ये पिलगुंडा शरीफ का एंट्रेंस है आज, और पे आसपास ये हज़रत का दरबार भी आपको मिल जाता है यहीं। चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
अगर आप यहाँ आएंगे तो टू वेज मिलेंगे, एक लेफ्ट और राइट, जैसे कि आप इधर मार्क देख सकते हैं ग्रीन कलर, आपको यहाँ से राइट लेना है छिल्ला मुबारक जाने के लिए। आप देख सकते हैं पेचीदा रास्ते हैं, या अल्लाह। बहुत ही छोटा सा रास्ता है, यहाँ से अभी यहाँ से गुजरना है। और माशाल्लाह झंडा भी आपको नजर आ रहा होगा। आप जानते हैं पहले, जैसे कि आप छोटा सा ब्रिज देख रहे हैं, पहले नहीं था, जो रिसेंटली अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो आप देखेंगे तो ये काफ़ी छोटा रास्ता था, यहाँ से गुजरना था छिल्ला मुबारक के जाने के लिए। और ये बंदर तो यहाँ देख सकते हैं, हज़रत सैयदना सैयद शाह बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह छिल्ला मुबारक बोर्ड। और मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सबको उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने। तो चढ़ने में मुश्किल था, उतना ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है उतरने में। ये पत्थर स्टेप्स नहीं है क्लियर से, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और ज़्यादा पैर स्लिप हो रहा है। या रसूल अल्लाह, देख सकते हैं यहाँ से होते हुए जो आपको ये रोड नज़र आ रहा है, वहाँ पर हमारी कार जो है पार्क हुई है, तो वहाँ पे जाना है। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में इंशाल्लाह नीचे पहुँच जाएंगे। और ये देख सकते हैं हमारे साथी जो आमिर भाई के शागिर्द हैं, वो अभी ऊपर रह गए। वहाँ पे हमारी कार पार्क हुई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह छिल्ले मुबारक से उतर गए हम। तो जब भी आप हज़रत की बारगाह में, हज़रत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से हाजिर देंगे, तो आप ज़रूर छिल्ले मुबारक में हाजिर देने की पूरी कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, मगरिब की नमाज़ हो चुकी है, तो अभी बेंगलोर के लिए रवाना हो रहे हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके बेंगलोर की सरजमीन। इट्स ऑलमोस्ट 9:30, अभी निकले थे 7 o'clock को कलगुंडा शरीफ, और ऑलमोस्ट अब 9:30 है, पहुंच गए बेंगलोर। नाज़रीन तमाम दरबारों का हिस्ट्री वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था, आप ज़रूर देखें। तो यह था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। Assalam ya Hussain।